सर, पंजाब संकट की हम बात कर रहे हैं और ये ठीक है शनिवार को हुआ 18 सितंबर को, लेकिन 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा हलचलें थी क्योंकि 3 दिन चंडीगढ़ में थी और करीब से इस पूरे घटनाक्रम को मैंने भी देखा, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। इसमें एक चेहरा था हरीश चौधरी जो कि राजस्थान के राजस्व मंत्री भी हैं, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी इस सियासी घटनाक्रम में। अब राजस्थान और पंजाब दोनों को लेकर हरीश चौधरी का भविष्य क्या आपको नज़र आता है? उसका भविष्य उज्ज्वल है, ही इज़ द ओनली गेनर इन दिस होल क्राइसिस। पंजाब में तो उनका अच्छा रहा, जब जब मीटिंग हुई राहुल गांधी के यहाँ 2-3 घंटे मीटिंग में रहे और अभी भी उनका मन वहाँ रम गया है राहुल गांधी के घर पे, और रोज़ कोई मीटिंग होती है 2-2.5 घंटे 1.5 घंटा उनके प्रेजेंस वहीं रहती है। पहले एक दो बार शायद वो कह भी चुके हैं कि मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, और पंजाब में वो गए प्रोसेस में सारा। और अब ये चर्चा भी है कि अगर प्रियंका गांधी ने नहीं माना पंजाब का प्रभारी बनना या फैमिली ने अलाउ नहीं किया तो हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी भी हो सकते हैं। और रही बात राजस्थान की, तो वो गहलोत साहब की तारीफ़ करते रहे, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बहुमत उनके साथ है, कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। तो राजस्थान में उनका कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है, सरकार गहलोत साहब के साथ भी रहेंगे तो मंत्री बन जाएंगे, अच्छे से मंत्री तो ऑलरेडी हैं, और ज़्यादा मन करेगा तो छोड़ के वहाँ जा सकते हैं, दिल्ली में अपना काम कर सकते हैं। और कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंप दी, PCC वगैरह को ऐसा चार्ज दे दिया तो यहाँ आके बैठ जाएंगे। अल्टीमेटली ही इज़ ए गेनर, और जो उनका थोड़ा एक ज्योतिष का वक्त ख़राब आया था बीच में कि CBI वाले केस कर रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं अखबार में, लोग कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे दिया आपने, गहलोत साहब कह रहे हैं इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो एक वक्त था, एक टर्मोइल का पीरियड आता है आदमी के भाग्य में जन्म पत्नी, दैट पीरियड इज़ ओवर और अब उसके अच्छे दिन समझिए हरीश चौधरी के चल रहे हैं।